बहुत बढ़िया। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। तुम तो बहुत अच्छे से कर रहे हो। सच में भीम है। कैसे कर लेते हो तुम भीम? तुम भी कर सकते हो जग्गू, जरा घूमो। कमाल का है, जरा देखो उसने तो जग्गू को भी सिखा दिया। आप कब हमें ऐसे पैतरे सिखाएंगे कालिया उस्ताद? खुद गेंद संभालना आए तो हमें सिखाएंगे ना। खोलू, गेंद छोड़ो। तुमने जुबान नहीं संभाली तो तुम्हें ही मैं लट्टू बनाकर घुमा दूंगा। कालिया, मैं तो हमेशा ही ठीक रहता हूँ। इसलिए तो गेंद के बजाय खुद ही घूम रहे थे। वैसे भी गेंद से तो कोई भी करतब दिखा सकता है, पर फ्रिस्बी घुमाना तो हर किसी के बस की बात नहीं। अच्छा तो हो जाए मुकाबला। हाँ। फेंकूंगा कि किसी की पकड़ में ही नहीं आएगा। ओ, ये तो बहुत ऊपर चली गई। मैं हार गया, भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। गया कालिया उस्ताद, और शर्त ये थी कि मैं हारा तो मैं राजू का गुलाम। क्या करूं मैं, शर्त हार गया मैं, सब हंसेंगे। आज कितनी शांति है। कालिया ने भी कोई बेवकूफी नहीं की। नहीं की तो कर लेगा। लेकिन मैंने आज सुबह से उन तीनों को नहीं देखा। मैंने भी। शर्त लगा लो, थोड़ी देर में कालिया दौड़ते हुए आएगा। कैसे जग्गू? पिकनिक, ये! बोलो बोलो, लड्डू लाओ। कहाँ है लड्डू? उस्ताद, लड्डू चोर। कोई कालिया से लड्डू नहीं चुराता। उस्ताद!
क्या हुआ ढोलू भोलू को? ये बहुत अजीब बात है। कांगारू कभी ऐसे हमला नहीं करते। भीम, ये वाला कांगारू, कांगा कांगारू बहुत खतरनाक है। मेरे ढोलू भोलू। नहीं कालिया, हम ढोलू भोलू को जरूर ढूंढ निकालेंगे। चलो दोस्तों। भोलू के पास भी अंगूर थे। वाह भोलू, क्या सुराग छोड़ा है। ये मेरे ढोलू भोलू को अपना नौकर नहीं बना सकता। कालिया, वरना ये तो मासूम लग रहा है। ये कंगारू तो बड़ा ताकतवर है। भीम! कांगा कांगारू, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इसे तो चोट लगी है। चोट की वजह से ये खाना नहीं ढूंढ सकता था, इसलिए ये ढोलू भोलू को ले आया अपनी मादा के लिए। लड्डू का